Hi everyone, welcome back to our channel, myself Namisha. जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल में आपको मिलती है अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस एंड लॉट मोर. तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक. और आज जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उस टॉपिक का नाम है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया टू स्टडी कोर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. यार काफी सारे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन में अपने इंजीनियरिंग बी बी टेक जैसा कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, या हम एमटेक की भी बात करें, बट वो सोचते हैं कि यार हम टॉप इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करें. तो वो टॉप इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कौन से हैं जहां जाकर ये स्पेशलाइजेशन परफेक्टली पढ़ी जा सकती है, तो यार उसकी लिस्ट लेके मैं आ गई हूँ. ये सारी जो मैं 1 से 15 की लिस्टिंग आपको बताने वाली हूँ 15 कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन की, ये ऑन द बेसिस ऑफ NIRF रैंकिंग के बेसिस पे, यानी अभी 2020 की जो लेटेस्ट अपडेट्स रैंकिंग आई है NIRF की, उसके बेसिस पे हमने लिस्टिंग की है टॉप 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया की, जहां जाकर आप ये कोर्स यानी ये स्पेशलाइजेशन परस्यू कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद नंबर 1. अगर हम पहले की बात करें तो वो है NIT कुरुक्षेत्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. NIRF रैंकिंग की बात करें तो इसको 40th पोजीशन मिली हुई है थ्रू NIRF 20. नाउ आगे की बात करें तो सेकंड पोजीशन पे NIT पटना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर हम यहाँ के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यार कुछ 5 से 6 लाख की इनिशियली आपका फीस आपको यहाँ पर पे करनी पड़ सकती है. थर्ड की बात करें तो वो है PES यूनिवर्सिटी, यानी पेसू के नाम से भी काफ़ी फेमस है इन सारे इंस्टीट्यूशन. एंड अगर आप सोच रहे हैं कि इन इंस्टीट्यूशन के बारे में हमें इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं बता दूं काफ़ी सारे वीडियोस हमने पर्टिकुलरली भी बनाए हैं कवरिंग द इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज एंड एवरीथिंग. अगर आपको वो सारे वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर वहाँ जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड अपडेटेड लिंक्स भी आपको वहाँ पर ही मिलती है. सो एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेकआउट करना ना भूलें. तो हम थर्ड लिस्टिंग की बात करें तो अब हम आते हैं फोर्थ पे, जो जहाँ जाकर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन जैसे स्पेशलाइजेशन में इंजीनियरिंग कर सकते हैं इन इंडिया. सो दैट इज भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसको आप BVDU के नाम से भी जानते हैं. अगर हम यहाँ की फीस की बात करें तो अगेन 4 से 5 लाख की आसपास की आपकी फीस लग सकती है आपको. और फीस की अगर हम बात करें तो यार मैं आपको डेफिनेट अमाउंट नहीं बता रही हूँ, पर्टिकुलर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये डिफर कर सकती है प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन में भी ये डिफर करती है. सो अगर आपको ये इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग फीस स्ट्रक्चर, और अगर इन सब के बारे में आपको प्लेसमेंट के बारे में जानना है, उनकी रियलिटी के बारे में जानना है कि असलियत क्या है, कि ऑब्वियसली यार इतना सारा खर्चा करोगे आप तो प्लेसमेंट का भी आपको एक क्वेश्चन मार्क होगा कि कैसा प्लेसमेंट है, तो आप उसके लिए हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू. कॉल मैसेज आप कुछ भी कर सकते हैं एंड हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं उस, एंड देन वो आपको गाइड कर देंगे इस टॉपिक से रिलेटेड. कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने भारतीय विद्यापीठ को फोर्थ पोजीशन पे रखा है. फिफ्थ पोजीशन की बात करें तो वो है श्री रामदेव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे 5 से 6 लाख की आपकी इनिशियल यू नो वो फीस लग सकती है. अगर हम आगे बढ़ें तो फिफ्थ पोजीशन की यू नो श्री रामदेव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को रखा है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे BBTech अभी भी परस्यू कर रहे हैं, उसके लिए यू नो काफ़ी फेमस है वो. नेक्स्ट की हम बात करें, सिक्स पोजीशन पे है पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज PEC के नाम से, जो फेमस है. 3 से 4 लाख की इनिशियली आपको फीस पे यहाँ पर करनी पड़ सकती है. सो ऑन 7th पोजीशन वी हैव RMK इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे आपके 2 से 3 लाख का खर्चा हो सकता है इनिशियली अगर आप यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और ये कोर्स परस्यू करना चाहते हैं. 8th नंबर पे है क्यूमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन, पुणे में जो लोकेटेड है. इस पे हमने वीडियो भी बनाया, अगर आपको इसकी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वीडियो देख सकते हैं. 7 से 8 लाख की इनिशियली आपको यू नो इन्वेस्टमेंट करनी रह सकती है अगर आप ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करते हैं. आगे बढ़ते हैं, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इज स्टैंडिंग एट 9th पोजीशन एट आर लिस्टिंग. यहाँ पर भी आप अपने BTech, MTech, यू नो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में परस्यू कर सकते हैं. ये यहाँ पे अगर फीस की बात करें तो यार 5 से 6, 7, 8 लाख यू नो इनिशियली स्टार्टिंग हो सकती है, ज़्यादा भी यहाँ पर जा सकती है. एट 10th पोजीशन वी हैव सिलिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर का ये इंस्टीट्यूशन है. यहाँ पे आपकी जो फीस लग सकती है वो 4 से 5 लाख इनिशियली लग सकती है, स्टार्टिंग फीस लग सकती है. अगर हम नेक्स्ट की बात करें, एट 11th पोजीशन वी हैव IIIT DM कांचीपुरम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यू नो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जो फेमस है, कांचीपुरम का इंस्टीट्यूशन है. यहाँ पे अगर हम फीस की बात करें तो 5 से 6 लाख इनिशियली आपको फीस पे करनी पड़ सकती है. NIRF रैंकिंग की बात करें तो 182 पोजीशन इसको मिली हुई है. टॉकिंग अबाउट द 12th, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने होल्ड करी है पोजीशन हमारी लिस्टिंग में. अगर हम इसकी फीस की बात करें तो 4 से 5 लाख की आपको यहाँ पर फीस भरनी हो सकती है इनिशियली. सो ये तो था 12th पोजीशन. 13th की बात करें तो SEC यानी सविता इंजीनियरिंग कॉलेज ने होल्ड करी है हमारे इसमें लिस्टिंग में 13th पोजीशन फॉर स्टार्टिंग इंजीनियरिंग लाइक कोर्स एंड टॉकिंग अबाउट द स्पेशलाइजेशन दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी.
टॉकिंग अबाउट द 14th वी हैव द्वारकादास जी सांगवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जहाँ पे आपकी इनिशियली 6 से 7 लाख की आपको फीस पे करनी पड़ सकती है अगर आपको कोर्स परस्यू करना है इंजीनियरिंग का। एंड अगर हम यू नो 14th की हमने बात कर ली है, लास्ट बट नॉट लीस्ट 15th की हम बात करें जहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं, तो वो है बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको आप BIT के नाम से भी जानते हैं। इसकी फीस थोड़ी सी आपको कंपेरेटिवली कम मिल जाती है, 2 से 3 लाख इनिशियली आपको फीस यहाँ पर पे करनी होती है, और इसकी रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है, यू नो 201-250 के आसपास इसकी रैंकिंग गई है बाय NIRF 2020 के हिसाब से। सो यार ये थे टॉप 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहाँ पे स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं अपना इंजीनियरिंग इन स्पेशलाइजेशन लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। टॉप 15 कॉलेज है, अपना बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, आपकी लोकेशन के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से। आप सोच रहे हैं आपके मार्क्स के हिसाब से कौन सी, यू नो रैंक के हिसाब से कौन सी इंस्टीट्यूशन बेस्ट रहेगी, इसमें आप अभी भी कंफ्यूज हैं या फिर आपको और भी कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस की जरूरत है, उसके लिए आप हमसे फ्रीली डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, कॉल मैसेज कुछ भी करिए एंड बात करिए हमारे काउंसलर से, क्योंकि उनके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है इन सारे ही टॉपिक से रिलेटेड। सो यार दैट्स अ रैप अप फॉर दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस वाज मी निमिषा चचानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस एपिसोड। इस चैनल में आपको मिलती है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड डिफरेंट कोर्सेज। जस्ट टू अटेन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।